उठा। अगर तुम सही कह रहे हो कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा, तो फिर इस पृथ्वी को रखने से फायदा क्या? मैं इस पृथ्वी को उठाऊंगा, धरती को, ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा। जितने भी राजा लोग सभा में बैठे थे, और जब जनक जी ने कहा ना कि तजम आस निज निज ग्रह जाऊं, तो सब राजा उठ उठकर अपने अपने घर जाने लगे। जब जनक जी ने ही कह दिया कि जाओ अपने घर, तो यहाँ बैठने से क्या फायदा, जाने लगे सब राजा उठ उठकर। महल से बाहर निकले, कोई अपना घोड़ा तैयार कर रहा था, कोई अपने हाथी पर बैठ रहा था, कोई अपने रथ में, कोई पालकी में। राजा आए थे, लक्ष्मण जी जोर से बोले, इतनी जोर से बोले लक्ष्मण जी कि जो राजा लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे ना, वो सब राजा सुन रहे थे लक्ष्मण जी की बात। तो एक डरपोक राजा ने दूसरे राजा से कहा कि भैया सुनो, लड़का क्या कह रहा है, वो ब्रह्मांड को उठाने की बात कर रहा है, चलो चलो जल्दी जल्दी अपने अपने घर चलो, चलो। लड़का ब्रह्मांड को उठाने की बात करता है, और लक्ष्मण जी आगे बोले कि ब्रह्मांड को उठाऊंगा ही नहीं, कच्चे घट जिम्मेदारों खोरी, इस ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। और ये बात जब लक्ष्मण जी ने कही तो राजा सब डर गए कि वो लड़का तो ब्रह्मांड को फोड़ने की बात करता है, चलो चलो सब अपने अपने घर चलो। तो एक बड़ा समझदार राजा था, वो राजा कहने लगा उन राजाओं से कि तुम घर जाने की बात करते हो और वो लड़का ब्रह्मांड उठाने की बात करता है, ये बताओ क्या तुम्हारा घर ब्रह्मांड से अलग है क्या? तुम्हारा घर ब्रह्मांड से अलग है क्या? लड़का ब्रह्मांड को उठाने की बात करता है, वो ब्रह्मांड उठाएगा तुम्हारा घर भी तो उठेगा, और तुम घर जाने की बात करते हो। और देखो भैया, घर जाओगे तो भी मरोगे, यहाँ बैठोगे तो भी मरोगे, क्योंकि लड़का ब्रह्मांड उठाएगा तो हम भी उठेंगे, हमारा घर भी उठेगा, सब वहीं मर जाएंगे। तो उस राजा ने कहा कि घर जाने से कोई फायदा नहीं है, मेरा कहना मानो तो घर जाने से फायदा क्या, घर जाकर भी मरना है, यहाँ बैठकर भी मरना है, तो यही बैठ करके मरते हैं। जो राजा लोग अपने अपने घर जा रहे थे, वो सारे राजा वापस स्वयंवर मंडप में आ गए और अपने अपने स्थान पर आकर बैठे। और मैं आपको एक बात और बताऊं, लक्ष्मण जी जो बोले ना जनक जी से, कही जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, इतनी जोर से क्यों बोले लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी इसीलिए जोर से बोले, लक्ष्मण जी को ये बात मालूम थी कि राजाओं से तो धनुष उठना है नहीं, धनुष को राम जी उठाएंगे ये बात तो निश्चित है, पर ये सारे राजा लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, और इनके जाने के बाद अगर राम जी ने धनुष उठाया तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? राजा अपने अपने घर जा रहे हैं, और उसके बाद अगर राम जी धनुष उठाएंगे तो हमारी बात पर भरोसा कौन करेगा कि मेरे राम जी ने धनुष उठाया? जब देखने वाली जनता ही ना हो तो फिर क्या मतलब धनुष उठाने से? तो इतनी जोर से लक्ष्मण जी बोले कि जो राजा अपने अपने घर जा रहे थे वो वापस स्वयंवर मंडप में आ गए, ताकि इनसे तो धनुष नहीं उठा पर ये राम जी को तो धनुष उठाते हुए देख सके, इसीलिए लक्ष्मण जी जोर से बोले। और इतने जोर से बोले, लखन सकोप बचन जे बोले, डग मगान वही दिग्गज डोले। जिन दिग्गजों ने पृथ्वी को संभाल रखा था ना, वो दिग्गज डोल गए, पृथ्वी हिलने लगी, कांपने लगी। और जब पृथ्वी हिलने लगी लक्ष्मण जी के बोलने से, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा, बड़े क्रोध में खड़े थे, राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को बिठाया, लक्ष्मण नीचे बैठो। तो लक्ष्मण जी नीचे बैठे, राम जी से कहा कि प्रभु बोलिए क्या बात है? राम जी बोले कि रे लक्ष्मण, तुम्हें जब गुस्सा आता है तो तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि तुम किसके सामने बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? तुम सीधे सीधे कह रहे थे कि जनक जनक उनका नाम लेकर के पुकार रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा कौन है? राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण वो तुम्हारी होने वाली भाभी के बाप है,
और तुम सीधे सीधे कह रहे थे कि जनक वो तुम्हारी होने वाली भाभी के बाप है। लक्ष्मण जी बोले कि भैया ये तो मेरी होने वाली भाभी के बाप है, आपके सामने अगर मेरा भी बाप बोलेगा ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्योंकि लक्ष्मण जी छोटे भाई है, बड़े भाई को अगर कोई कुछ कहे तो क्या छोटा भाई सहन कर पाएगा? नहीं। इसीलिए लक्ष्मण जी ने बिठाया, राम जी ने लक्ष्मण जी को बिठाया। सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। और इतना सब कुछ हुआ, गुरु विश्वामित्र जी ने सोचा कि इतना सब कुछ हो गया, राजाओं से भी धनुष उठा नहीं, जनक जी का भी धैर्य टूट गया, इधर लक्ष्मण जी भी बोल रहे, तो अब सारी बात को संभालना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा और राम जी से कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी, गुरु वचन शरण सिर नावा, गुरु वचन शरण सिर नावा, हर्ष विषाद न पछो करेंगे। एक भजन बड़ा प्यारा,